जीवन के अंतिम पड़ाव पर अपनों से दूर वृद्धाश्रम में एकाकी का जीवन जी रहे बुजुर्गों के पास जाकर कोई अपनेपन और चाहत भरे दो शब्द बोल दे तो उसके लिए इससे बड़ी दौलत कोई और नहीं हो सकती। उर्चा के वृद्धाश्रम में पहुंचकर निवाड़ी के कलेक्टर तनुन भटनागर ने जब उनका हाल जाना तो इन वृद्धों के चेहरों पर मुस्कान और आँखों में खुशी के आंसू थे। जब डीएम ने उनके बीच बैठकर दोपहर का भोजन किया तो वृद्धों की मानो खुशी का ठिकाना न था। कुछ देर तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके बीच कोई अफसर नहीं बल्कि उनका अपना कोई परिजन है जो उनका हालचाल जान रहा है। किन के क्यों क्या हुआ आज? अच्छा लगो, संजय खाना था। आपके तो बिल्कुल साथ में ही थे। और कछु पूछी दुख सुख की? अच्छा। अपने परिवार से और बच्चों से दूर अपने अंतिम पड़ाव में वृद्धाश्रम में समय बिता रहे वृद्धों का हाल जानने के लिए निवाली कलेक्टर उनके बेटे के रूप में यहाँ पहुँचे थे। वहाँ का नज़ारा भी मार्मिक था क्योंकि परेशानियों से घिरे वृद्ध कलेक्टर को अपना बेटा समझकर अपने सुख दुख की और अपनी समस्याएं उन्हें बता रहे थे। कलेक्टर ने वृद्धों के साथ टेबल पर बैठकर भोजन भी किया और उनके सुख दुख की बातों के साथ जीवन में आए उतार चढ़ाव की बातें उनके साथ साझा की। इस दौरान कलेक्टर ने सभी वृद्धों की हौसला अफजाई करते हुए साल और फूल माला से उनका स्वागत कर उनका आशीर्वाद लिया और भोजन भी किया है। आपने वृद्धजनों के साथ कैसा अनुभव रहा? ये निश्चित तौर पर ये बड़ा ही सबके साथ में आप बैठते हैं और बातचीत करते हैं तो उनकी जो अपनी परेशानियाँ हैं, अपनी दिक्कतें हैं और जो उनकी उनका जीवन उनका अपना संसार है उसकी बहुत सारी बातें हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये बड़ा अच्छा अनुभव रहा कि आज सौभाग्य मुझे मिला कि यहाँ पर जो यहाँ की जो बजट है बच्चों के साथ मुझे बैठने का और उनकी बातें सुनने का अवसर मिला। बेटे के तौर पर तो कभी अधिकारी के तौर पर यह वृद्धाएँ बारी बारी कर अपनी समस्याएँ कलेक्टर तरुण भटनागर को बता दी गईं और बारी बारी उन्होंने सभी की समस्याओं को सुना। ऐसे में कुछ महिलाएं यह भी कहती नजर आईं कि उनके कई सालों के इस वृद्धाश्रम में रहने के बावजूद पहला कलेक्टर ऐसा आया जो इनके सुख दुख में साथ है और साथ भोजन भी करता है। बुंदेली तरकत से ओरछा से ब्यूरो रिपोर्ट।